भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहलम तो सारे बुजुर्गां सर भाई बहना ने जय राम जी की। तम सारे जने अपना काम छोड़कर भाजपा ने इन इलेक्शन में जिताण का भरोसा देने आए सो। थारो इतनो घणो प्यार दे के मने घणी खुशी हो रही से। मैं उधर पीछे रोड की तरफ देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है सभा पूरी की पूरी वहां से नहीं आ रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां रोड पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप लोगों ने अद्भुत कमाल कर दिया है जी। मैं दो दिन से हरियाणा के अलग अलग भूभाग में जा रहा हूं और हवा का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व विजय के साथ दोबारा हरियाणा की सेवा करे, ये हरियाणा की जनता जनार्दन ने फैसला कर लिया है। शहीदों की धरती को महान स्वतंत्र सेनानी राव तुलाराम जी की इस पुण्य भूमि को मेरा शत शत नमन है। चरखी हो, दादरी हो, भिवाणी हो, जज्जर्ग हो, महेंद्रगढ़ हो, इस पूरे इलाके में जब मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का कार्य देखता था, शायद ही कोई ऐसा परिवार कार्यकर्ता होगा जिसके यहां कभी जाने का मौका न मिला हो। अनेक बार आप लोगों के बीच में काम करने का, नई नई चुनौतियों को स्वीकार करने का, कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ने का मुझे हरियाणा के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का सद्भाग्य मिला है। यहां ऐसे अनेक साथी हैं, यहां भी कई मेरे पुराने साथी बैठे हैं जिनका साथ, उनका मार्गदर्शन मुझे हर समय मिलता रहा है। और दादरी के सपूत भाई रमेश जोशी जी जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ मुझे काम करने का अवसर मुझे लंबे समय तक ऐसे वरिष्ठ जनों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और तब ये जिला नहीं बना था, सिर्फ एक नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ था। अब तो ये जिला बन चुका है, चार पांच नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। नए मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र में बन रहे हैं, लॉजिस्टिक हब बन रहा है। और मुझे खुशी है कि ये सब जब आपने डबल इंजन लगाया, दिल्ली में मोदी का इंजन और हरियाणा में मनोहर लाल का इंजन, और आप देखिए देखते ही देखते बदलाव आना शुरू हो गया। साथियों, कभी दो तीन सीटों वाली भाजपा आज हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की स्थिति में, आप सबके आशीर्वाद के कारण, आप सबके प्रेम के कारण
पवित्रता, परिश्रम, ईमानदारी, इसको आज हरियाणा की जनता जनार्दन मोहर लगा रही है। और ऐसे ही समर्पित नेतृत्व भाजपा के कार्यकर्ता, उनकी टीम और आपके आशीर्वाद नया इतिहास बनने जा रहा है। चार महीने पहले लोकसभा चुनाव में जो आशीर्वाद हम सभी को दिया है, उसके लिए भी मैं चरखी दादरी सहित इस पूरे क्षेत्र के साथियों को, यहां के हर मतदाता को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। हरियाणा में मैं चुनाव सभा के लिए नहीं आता हूं, न ही मैं हरियाणा में भाजपा का प्रचार करता हूं, और न ही मैं हरियाणा में आपसे वोट मांगता हूं। हरियाणा मुझे खींच के ले आता है जी। मैं अपने आप को हरियाणा आने से रोक ही नहीं सकता हूं, इतना प्यार आप लोगों ने दिया है। और मैं आता हूं आपको प्रणाम करने के लिए, आपके बार बार आशीर्वाद लेने के लिए। इस बार भी हरियाणा में कोई मेरे प्रचार में आने की जरूरत पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन हरियाणा के आशीर्वाद लेना, हरियाणा के लोगों को नमन करना, ये मेरी निजी आवश्यकता है, क्योंकि मुझे यहां से ऊर्जा मिलती है। और इसलिए आज भी मैं नरेंद्र सिंह जी को कह रहा था कि मेरा महाराष्ट्र का तो दौरा है, लेकिन रात को दिल्ली आता हूं, मेरा मन करता है अभी भी दो चार और जगह पे हरियाणा के लोगों के दर्शन के लिए चला जाऊं, और चुनाव प्रचार पूरा होने से पहले अधिकतम जगह पे जाके लोगों के आशीर्वाद लूं। उन्होंने कहा अब तो सबके कार्यक्रम बन गए। मैंने कहा बन गए तो मैं ऐसे पिछली बारी कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, लेकिन मुझे दर्शन करने का मौका तो मिल जाएगा। इतना प्यार हरियाणा का मुझ पर रहा है, और इसलिए आपके बीच आना, आपके आशीर्वाद लेना, आपके दर्शन करना, ये मेरे लिए सौभाग्य होता है, बार बार आने का मन करता है। भाइयों और बहनों, सिर्फ और सिर्फ विकास को ध्यान में रखकर, राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर आपके द्वारा दिए गए वोट ने बांटने वाली राजनीति को परास्त कर दिया है। हरियाणा ने जो 100% समर्थन इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिया है, उसका असर आज दिख रहा है। बीते 5 वर्षों में विकास की बुनियाद हमने रखी थी, उस पर विकसित और सशक्त नए भारत का निर्माण का काम तेजी से शुरू हो चुका है। साथियों, अहम बात यह है कि नए भारत के निर्माण का ये नया निश्चय हमारे गांवों में दिख रहा है, गरीबों के घर में दिख रहा है। हमारे गांव ही देश में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को आज गति दे रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं। हमारे गांव ही अपनी संस्कृति और परंपरा को बनाए रखते हुए समाज को नई सोच और नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। हरियाणा सहित पूरे देश के गांवों ने ही खुले में शौच से मुक्ति का संकल्प सिद्ध कर दिखाया। हमारे गांव ही जल जीवन अभियान में, हर घर तक जल पहुंचाने के मिशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हरियाणा के गांव
अगर आगे ना आते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन इतना व्यापक न होता, इतना प्रभावी न होता, इतना परिणामकारी न होता। और मेरा हरियाणा का हर व्यक्ति बोलता है, मारी छोरी के छोरों से कम है यह आवाज, हरियाणा के गांव से निकली है। ऐसी आवाज जब आंदोलन बनती है तभी दुनिया कहने को मजबूर होती है कि वाकई हिंदुस्तान की बेटियां धाकड़ है धाकड़। और ये धाक आज दुनिया के मंचों पर दिख रही है, दुनिया अनुभव भी कर रही है। साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस भावना को हमें अब एक कदम आगे लेकर जाना है। हरियाणा की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपने कौशल का लोहा मनवा रही है। ये दीपावली बुराई पर अच्छाई के शाश्वत प्रतीक के साथ साथ भाजपा की विजय का भी जश्न हम सभी मनाने वाले हैं। इस बार दो दो दिवाली आई हमारे लिए, एक कमल वाली दिवाली तो दूसरी दिए वाली दिवाली। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये दिवाली हमारी बेटियों के नाम होनी चाहिए। जो बेटियां लक्ष्मी बनकर हमारे परिवार हमारे समाज हमारे देश को गौरव दे रही हैं, उनकी उपलब्धियों का पूजन जरूर होना चाहिए। भाइयों और बहनों, देश की बेटियों की हमारी बहनों का स्वास्थ्य स्वाभिमान सुरक्षा और सशक्तिकरण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। स्वच्छ भारत अभियान से घर घर और हर स्कूल में शौचालय बनने से बहनों को सुविधा भी मिली है और उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ा है। उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति भी मिली है और गैस पर खाना पकाने से समय की भी बचत हुई है। हरियाणा में तो मैं खुद गवा रहा हूं कि कैसे केरोसिन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, अब उन लाइनों से भी हमारे हरियाणा के लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। मातृत्व काल में सरकार में काम करने वाली कंपनियों में काम करने वाली हमारी माताएं बहनें मातृत्व काल में अब 6000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता इन सभी गरीब माताओं के खाते में जमा हो रही है, ताकि गर्भावस्था में वो अच्छा खाना खा सके पोषक आहार ले सके, होने वाली मां का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और होने वाले संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, इसकी चिंता भी ये सरकार कर रही है। समय समय पर स्वास्थ्य की जांच भी हो रही है। इतना ही नहीं, माता बनने के बाद जब मां खुशियों से भरे हुई होती हैं तो हमारी सरकार ने तय किया कि जो सरकार में काम कर रही हमारी माताएं बहनें हैं, शिक्षक हो नर्स हो पुलिस में हो कहीं पर भी हो, मां बनने की खुशियां वो जी भर के अपने बच्चे के साथ बिता सके, इसलिए हमने नौकरी में
छह महीने तक की तनख्वाह के साथ छुट्टी देने का निर्णय कर लिया, ताकि पहले छह महीने वो मां संतान के साथ जी भर के जिए और संतान का भी सही विकास का काम शुरू हो जाए। भाइयों और बहनों, बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, स्वरोजगार के लिए भी अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। इस बजट में एक अहम घोषणा की गई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनें, स्व सहाय जो हमारी माताएं बहनें, गरीब माताएं बहनें जो 11 बहनें, 15 बहनें, 21 बहनें इकट्ठी होती हैं, ऐसी बहनें अपने जनधन बैंक खाते से अपनी बचत के अलावा भी 5,000 रुपये अपनी जरूरत के लिए बैंक से उधार ले सकेगी। अब किसी साहूकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, उसको अपना गहना गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और घर में भी वो सम्मान के साथ जी सकेगी। ये हमने किया है। इतना ही नहीं, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक सदस्य मुद्रा योजना के तहत 1,00,000 रुपये का ऋण भी सीधा बैंक से ले पाएगी। भाइयों बहनों, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार ने उठाया। ऐसे ही अनेक कदम भाजपा सरकार निरंतर उठा रही है, जिससे राष्ट्र निर्माण में बेटियों की भूमिका को और विस्तार मिलेगा। साथियों, ये पूरा क्षेत्र तो खेत खलिहान से लेकर खेल और युद्ध के मैदान तक राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वालों का है। ये तीनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन तीनों में दो बातें कॉमन है, सामान्य है। पहली बात, इन तीनों में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर करके भरी होती है। दूसरी बात, इन तीनों ही क्षेत्रों में श्रम शक्ति, तप, त्याग और तपस्या के संस्कार होते हैं। भाइयों और बहनों, जब ये दोनों बातें एक साथ आ जाती है, तब किसी राष्ट्र को ताकतवर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही कारण है कि हरियाणा की, देश की इसी शक्ति को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। हमारे युवाओं की फिटनेस के लिए, उनको व्यायाम की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया अभियान देश में चल रहा है। खेलो इंडिया अभियान से गांव के स्तर पर छोटे छोटे बालक बालिकाओं की प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रतिभा की पहचान से लेकर ओलंपिक के मैदान तक खिलाड़ियों को आज सुविधाएं दी जा रही है। हमारे खेलों में पारदर्शिता और प्रोत्साहन की इस नई रति नीति के हरियाणा के मेघावी खिलाड़ियों को बहुत लाभ हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे युवा साथी खेलों से ज्यादा जुड़े और फिर समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। यही कारण है कि बेटी बबीता जी जैसे अनेक साथी भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं और आज आपके बीच में पूरे समर्पण के साथ काम करने के लिए तैयार है। और मेरे हरियाणा के भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के मेरे भाइयों बहनों, आपको खुशी होगी, पिछले दिनों चीन के राष्ट्रपति मुझे मिले। हम इनफॉर्मल समिट के लिए इकट्ठे हुए थे, बीच बीच में हल्की फुल्की भी बातें होती थी, तो चीन के राष्ट्रपति ने मुझे बताया और बड़े गर्व से बताया। उन्होंने कहा कि मैंने दंगल मूवी देखी है
और बोले आपकी बेटियां कैसा कमाल करती हैं, ये पूरा मूवी मैं बोले देख के आया हूं। जब मैं चीन के राष्ट्रपति से सुन रहा था, मुझे बड़ा गर्व होता था मेरे हरियाणा के ऊपर, मेरे हरियाणा की शक्ति पे गर्व होता था। भाइयों और बहनों, खेल के साथ साथ खेत खलिहान के प्रति भी भाजपा सरकार अभूतपूर्व प्रयास कर रही है। किसान के लिए सिंचाई से लेकर कमाई तक के नए नए समाधान तैयार किए जा रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल जी और उनकी टीम ने किसानों के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। मुझे बताया गया है कि यहां की जिन नहरों में 20-25 साल से पानी नहीं पहुंच पाया था, वहां भी अब पानी पहुंचने लगा है। साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने कहा था कि सरकार बनते ही हरियाणा के हर किसान परिवार के बैंक खाते में सीधी मदद देंगे। और मेरे हरियाणा के किसान भाइयों बहनों, आप विश्वास कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी, हरियाणा के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है, इस पानी पर हक हरियाणा के किसान का है, राजस्थान के किसान का है। और इसलिए आपके लिए मोदी लड़ाई भी लड़ रहा है। हमने ये भी कहा था कि 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे किसानों, खेत मजदूरों को पेंशन की सुविधा से जोड़ेंगे। सरकार बनते ही सबसे पहले यही काम सरकार ने किया। आज हरियाणा के लाखों किसान परिवारों के बैंक खाते में करीब 650 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। वहीं हजारों किसान परिवारों के लिए हर महीने 3000 रुपए की निश्चित पेंशन भी तय हो चुकी है। इसी तरह सिंचाई के लिए हरियाणा में जो काम पहले से चल रहे हैं, उनको अब जल जीवन मिशन से और गति मिलेगी। चरखी दादरी सहित पूरे हरियाणा में जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत है, तालाब और झीले हैं, उनको फिर से हमें जीवित करना है। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है, बस हमें मिलकर एक संगठित प्रयास करना है। साथियों, सिंचाई के साथ साथ पशुओं को होने वाली पैरों और मुंह की बीमारी, फूट एंड माउथ डिसीज भी किसान की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसके लिए मुफ्त टीकाकरण का एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पशुओं को टीका भी लगाया जाएगा, टैग भी लगाया जाएगा और पशुओं का स्वास्थ्य कार्ड भी बनेगा। यानी अब एक तरफ आयुष्मान भारत से हरियाणा के हर गरीब परिवार का मुफ्त इलाज हो रहा है और दूसरी तरफ इस टीकाकरण अभियान से हर एक पशु का मुफ्त इलाज भी तय हो रहा है। किसान भी स्वस्थ रहे, उसका पशुधन भी स्वस्थ रहे। जब ये दोनों स्वस्थ रहेंगे तो गांव की, हरियाणा की, देश की खुशहाली अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। भाइयों और बहनों, खिलाड़ियों और किसानों के साथ साथ हमारे जवानों का सम्मान और कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
मुझे याद है कि साल 2013 में जब मैं रेवाड़ी आया था तो यहां पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन लागू करने का मैंने वादा किया था। तब तो मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, लोकसभा का चुनाव बाकी था। रेवाड़ी में मेरी पहली जनसभा यहां के फौजियों ने ऑर्गेनाइज की थी और सरकार बनते ही इस वादे को पूरा कर दिया और देश भर के करीब 19 लाख पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल चुका है। सिर्फ हरियाणा में ही लगभग 2 लाख सैनिक परिवारों को इसके चलते 900 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में जमा हो चुके हैं। साथियों, सैनिकों के प्रति, शहीदों के प्रति भाजपा सरकार की ये प्रतिबद्धता अटल है। इस बार सरकार बनते ही पहला निर्णय शहीदों के परिवार के हित में लिया गया। शहीद सैनिकों के बच्चों की स्कॉलरशिप भी बढ़ाई गई और इसके दायरे में पुलिस को भी लाया, केंद्रीय बलों को भी लाया। ऐसे सुरक्षा से जुड़े हर किसी के बच्चों के लिए भी ये सुविधा देना हमने निर्णय कर लिया। इसके अलावा जो जवान अभी राष्ट्र रक्षा में तैनात है उनके लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए सियाचिन भत्ता अब 2 गुना कर दिया गया है, काउंटर इमरजेंसी औद भत्ता 3 गुना किया गया है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस लगभग 10 से 20 गुना बढ़ाया गया है, सीआरपीएफ कर्मियों के कुछ भत्ते भी 2 गुना कर दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, ये सभी सुविधाएं जितनी अहम है उतना ही जरूरी इन नायकों के बलिदान को पहचानना और उन्हें सम्मान देना है। जिस स्थिति में जम्मू और कश्मीर को छोड़ा गया था, पिछले कुछ दशकों में उसने 40,000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। इनमें बड़ी संख्या में हमारे सैनिक भी थे, इसमें हरियाणा के भी अनेक परिवार हैं जिनके वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए, कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए अपना बलिदान दिया है। इन्हीं परिवारों के त्याग और तपस्या का सम्मान करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बेहतर भविष्य के लिए जम्मू और कश्मीर के वास्तविक एकीकरण का फैसला लिया गया है। आपकी भावनाओं के अनुरूप आर्टिकल 370 अब आर्टिकल 370 से भी देश को मुक्ति दिला दी गई है। मैं जरा हरियाणा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे सब लोग पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये 370 हटाने का फैसला आपको मंजूर है? आप खुश हैं? मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे? राष्ट्रहित में लिए गए फैसले से आप अधिक खुश हुए हैं? पूरा देश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ आज खड़ा है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता देश और दुनिया में इस निर्णय को लेकर के अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। मेरे कांग्रेस के भाइयों और बहनों, अरे आपको मोदी को जितनी गाली देनी है दो, बैंकॉक, थाईलैंड, वियतनाम,
जहां से भी गालियां इंपोर्ट करनी है तो भी करने की छूट। मोदी पर जो कहना है कहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेहरबानी करके हिंदुस्तान जिस तरह आज हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहा है उसकी पीठ में छुरा भोंकना बंद कर दीजिए। और आप में हिम्मत है तो कहिए कि हम 370 वापस लाएंगे, कह दो ना, जरा बाजार में निकलो, कहो, मैं देखता हूं कैसे कहते हो। आपको ये मंजूर है क्या? कांग्रेस की बात मंजूर है क्या? क्या ये देश के लिए ठीक बोल रहे हैं क्या? तो ऐसी कांग्रेस को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कठोर से कठोर सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देश हित के लिए फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 21 तारीख को करेंगे, पक्का करेंगे, हर बूथ में करेंगे, हर गांव में करेंगे। मुझे विश्वास है कि हरियाणा इसका करारा जवाब 21 अक्टूबर को देगा। साथियों, राष्ट्र हित में, राज्य के हित में ऐसे फैसले लेना तब संभव होता है जब सरकारों की निष्ठा अटूट हो और नियत साफ हो। बीते 5 वर्ष में केंद्र और हरियाणा के बीच हरियाणा की भलाई के लिए किए गए हर काम साफ तौर पर देखने को मिले हैं, जिसका परिणाम भी सामने है। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा के गांव घरों में सुखद आश्चर्य देखने को मिल रहा है। गांव के युवा नौकरी का नियुक्ति पत्र ऐसे ही पा लेते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। न कोई सिफारिश, न कोई नेता की जरूरत, न कोई बिचौलिए की जरूरत, न कोई दलाल की जरूरत, न खर्ची और न पर्ची। ऐसा दौर हरियाणा ने पहली बार देखा है, जिसे हरियाणा का हर परिवार जिन कारणों से पहले परेशान रहता था, आज गरीब विधवा मां का बेटा भी अगर उसका हक है तो नौकरी का ऑर्डर घर पहुंच जाता है। भाइयों, उन गरीब माताओं के आशीर्वाद आज हमको मिल रहे हैं। भाइयों और बहनों, हरियाणा में ये परिवर्तन आखिर आया है तो इसके लिए मनोहर लाल खट्टर और उनकी पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है। हरियाणा सरकार को, मुख्यमंत्री को, उनके टीम को, उन समय के सभी विधायकों को मैं आज साधुवाद देने आया हूं, अभिनंदन करने के लिए आया हूं। हरियाणा में मेरा वाला कैंडिडेट की परंपरा खत्म हुई है और मेरिट वाला कैंडिडेट की परंपरा शुरू हुई है। अब मेरा वाला नहीं चलेगा, मेरिट वाला चलेगा। ये मेरा वाला कैंडिडेट आखिर कौन था? ये किसी रसूखदार का भतीजा होता था, किसी के गांव का होता था, किसी की पार्टी का होता था, किसी की जाति संप्रदाय का होता था। अब किसी नेता का भाई भतीजा होने की जगह हरियाणा का बेटा होना, हरियाणा की बेटी होना उस पद के लिए योग्यता हो गई है, और यही तो यहां के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य की सीधी सीधी गारंटी है। अब सभी टेस्ट पारदर्शी तरीके से आयोजित किए जाते हैं, कई पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं और युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी भी दी जा रही है। पूरे हरियाणा में हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र, धर्म या जाति से आते हो। अब ये मेरिट वाले कैंडिडेट्स हरियाणा को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था से सबसे बड़ा लाभ सामान्य मानवी को होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान उन दलों को होता है जिनकी दुकान ऐसे ही कारनामों पर
पिछले 50-60 साल से चलती रही है। कांग्रेस ने दशकों से हरियाणा सहित पूरे देश में ऐसी करप्ट मानसिकता और करप्ट सिस्टम को विकसित किया है। हरियाणा तो कांग्रेस के करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। दिल्ली के अपने साम्राज्य का बड़ा हिस्सा कांग्रेस ने एक प्रकार से हरियाणा के किसान और यहां के नौजवानों के हक को मार करके खड़ा किया हुआ है। यही कारण है कि जब भ्रष्टाचार के बुलबुले फूटने लगते हैं तो कांग्रेस के नेता जरा तिल मिला जाते हैं, अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि देश को लूटने वाले को, मैंने कहा था कि गत 5 साल देश को लूटने वालों को मैं जेल के दरवाजे तक ले आया हूं और आने वाले 5 साल में वो अंदर चले जाएंगे और शुरुआत हो चुकी है। और जब मैं कहता था कि जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा तो ये सीना तान करके मुझे कहते थे, अगर मोदी के पास सबूत है तो करके दिखाएं, मोदी के पास सबूत है तो करके दिखाएं, दिखा दिया ना। अब जब इनके बड़े बड़े सुरमा तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं तो फिर रोते फिर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, जिसने देश को ठगा है वो अब बचने वाला नहीं है। ये पैसा आपका है, ये आपका हक है, हिंदुस्तान के नागरिकों का हक है, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी का हक है और आपके हक की रक्षा के लिए ही मोदी मैदान में है। लेकिन जो राष्ट्रहित में पूरी ईमानदारी से जुटा है उसके पीछे भाजपा सरकार, चाहे हरियाणा की हो या फिर केंद्र की हो, हम ऐसे ईमानदार लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाने आया। भाइयों बहनों, 21 अक्टूबर को आपके सामने बहुत बड़ा अवसर है। इस बार फिर भाजपा सरकार बनाने का निर्णय तो हरियाणा की जनता जनार्दन ने कर लिया है, लेकिन ये जनादेश ऐतिहासिक होना चाहिए, पुराने सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। इसके लिए आपका मतदान भी ऐतिहासिक होना चाहिए। मैं यहां की बहनों से विशेष निवेदन करूंगा कि इस बार पुरुषों से ज्यादा मतदान हरियाणा ने करके दिखाना चाहिए। मैं यहां के और भी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसी को लेकर के आगे बढ़ना है और इसी को लेकर के आगे बढ़े, यही मेरी आप सबसे, हरियाणा के हर भाजपा कार्यकर्ता से, हरियाणा के हर भाजपा समर्थक से मेरा ये आग्रह है और उस आग्रह को भव्य जीत में परिवर्तित करना, ये इसके लिए आप आगे आएंगे। मतदान वाले दिन आपका परिश्रम पार्टी के लिए उतना ही आवश्यक है। हमें अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने में लगाना है। इस क्षेत्र के लोगों को, हरियाणा के लोगों को आभार के साथ फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर के हम सबको आशीर्वाद दिया, इसके लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।